साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अभी हम लोग, हमारा ऑफिस नोएडा था, थोड़ा महंगा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने कॉस्ट कटिंग करके उसको थोड़ा सा कम किया था। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि अभी हम थोड़ी परेशानी फेस कर रहे हैं, पर हम उसको पूरा, मतलब उनसे जूझने की, उनको पार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे नए ऑफिस में काम शुरू हो चुका है। ऑफिस छोटा है पर अच्छा है। मैं क्या सोचता हूँ ना, जहाँ मेहनत करोगे वो सब अच्छा हो जाएगा। बड़ी बिल्डिंग देखे ताजमहल में करके क्या ही कर लेंगे, हमें पढ़ाना है छोटे से कमरे में। तभी हमारे यहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। आप सभी लोगों की दुआएं रही तो बिल्कुल हमारा काम सेट हो जाएगा। आज भी इसलिए आपको कोई इवेंट नहीं दे पाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, एसआई की, कॉन्स्टेबल की, दिल्ली पुलिस की, जीडी वगैरह की, पर कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं यहाँ काम देखने आ गया। कई दिन से नहाया भी नहीं था, सोचा नहा धो भी लेता हूँ क्योंकि रूम शिफ्ट हो गया था वहाँ से। तो अभी आप सभी लोग अपनी दुआओं में याद करना, बहुत मेहनत करेंगे। 5 साल से कुछ नहीं सोचा कि वह मेहनत, तुम थोड़ा सा और प्यार एक बार थोड़ा सा ही कर दोगे ना अपने मन में, भैया तुम लगे रहो हम तुम्हारे साथ, और मेहनत करेंगे। अभी यहाँ पे ऑफिस आ गया, नीचे स्टूडियो बन रहे हैं, 35 बनाने, 20 मतलब लगभग खड़े हो गए हैं बोर्ड टंगने। नोएडा से आप जैसे 300 हो जाएगी मंगल बुद्ध तक, बहुत लंबी है, मतलब 150-200 लोगों की, उतनी तो नहीं है उतनी बड़ी, पर फिर भी मैं तो दिल बड़ा होना चाहिए ना इंसान का। तो आप लोग मेहनत कीजिए, हम और मेहनत करने के लिए तैयार है। ऐसा ही कॉन्स्टेबल इन सब के लिए, मतलब पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। तो आप सभी लोग अपना प्रेम ऐसे बरसाते रहिएगा और दुआएं करते रहिएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाए और फिर हम दिल्ली मुखर्जी नगर पर फिर से कब्जा कर लें, जैसे हमने लॉकडाउन के समय किया था। थैंक यू, जय हिंद।